अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लामोजीन के काम को कैसे ज्वाइन किया जाता है। अगर आप आउटसाइडर हो, आप चाहे यूएई में हो, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, इसके ऊपर कितनी कास्ट आती है, गाड़ी कितने की इन्वेस्ट होती है। जो भी दोस्तों के कमेंट्स हैं उनके ऊपर ये वीडियो बनने जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इस काम में आना चाहते हैं। तो फ्रेंड, अभी जो है भाइयों के कमेंट्स की बात की जाए, मोहम्मद आबिद व्लॉग्स है, तो फ्रेंड ये बोल रहे हैं, भाई जान मेरे पास यूएई का लाइसेंस है, न्यू एक महीना हो गया है न्यू लिया, यानी कि उन्होंने लाइसेंस, तो पिछले 5 साल से दुबई में कंस्ट्रक्शन की कंपनी में बतौर वर्कर काम करता हूं। मैं लामोजिन की कंपनी में वीज़ा लगाना चाहता हूं, इस पर कितना खर्चा आएगा और प्रोसेस क्या है, तो ज़रा बता दें। एक भाई का ये वाला कमेंट हो गया। तो फ्रेंड, एक और भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई काइंडली अपना व्हाट्सएप शेयर करेंगे, मैं दुबई आना चाह रहा हूँ ईद के फौरन बाद और सेम यही वर्क करना चाहता हूँ, क्रीम का या डेजर्ट सफारी का, तो काइंडली आप कुछ मालूमात दे सकते हैं तो प्लीज़ गाइड के कौन सा वीज़ा के लिए आऊँ, आने का क्या प्रोसेस है, तो ऐसा उन्होंने कमेंट किया हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर गाइड करता हूं कि इसका क्या सीन है, आप इस काम में कैसे आ सकते हैं और ये कितनी कैटेगरी का काम होता है। तो फ्रेंड, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, मैंने आपको पहले भी बताया, तो अभी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। फ्रेंड, जो बंदे पाकिस्तान में अपनी कंट्री में मौजूद हैं, पहले मैं उनकी बात करता हूँ, फिर मैं उनकी बात करूंगा जो कि इधर पहले ही यूएई में मौजूद हैं, जिनके पास लाइसेंस है, फिर उन पर बात करूंगा। तो फ्रेंड, जो बंदे पाकिस्तान में और अपनी कंट्री में मौजूद है, उनका ये प्रोसेस होता है वीजे का। तो फ्रेंड, इधर जो लामोजिन की कंपनीज हैं उसमें बात करनी होती है, उनकी वैकेंसी है या नहीं, उनकी हायरिंग ओपन है या नहीं, वो वीज़ा आपको दे रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड, अभी पाकिस्तानियों की बात की जाए, आउटसाइडर जो हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वीज़ा उनका प्रोसेस नहीं हो रहा। तो फ्रेंड, जैसे ही उनका वीज़ा प्रोसेस होगा मैं फिर आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन मैं उनको बता दूं कि इस काम को कैसे ज्वाइन करना है, बिल्कुल आसान में आपको बताऊंगा, आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि भाइयों ने कैसे इस काम में आना है। तो फ्रेंड, अगर वीज़े ओपन होंगे तो आपने सबसे पहले तो वीज़ा लेना है, किसी भी आप कंपनी से वीज़ा ले सकते हैं जिसकी हायरिंग ओपन है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी का काम होता है, पहला खुद की गाड़ी इन्वेस्ट करनी होती है आपने, और दूसरा ये कमीशन बेस होता है, और तीसरा ये सैलरी पैकेज पे काम होता है। तो खुद की गाड़ी इन्वेस्ट करने पे बात कर लेता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा दोस्त पूछते रहते हैं कि गाड़ी कितने की आती है और हम गाड़ी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, गाड़ी का ये सीन होता है कि 50,000 जो है उसकी डाउन पेमेंट होती है, जो कि आपने कंपनी को देनी होती है, कंपनी जो है आपकी गाड़ी को बुक कर देती है। इधर गाड़ी आने में 5 से 6 मंथ लग जाते हैं, तो जब आपकी गाड़ी आती है तो तब उसे आप यूज़ कर सकते हो, तब उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर आपको फ्रेंड गाड़ी के बारे में ज़्यादा मालूमात और चाहिए कि कब तक इस गाड़ी में हम काम कर सकते हैं और गाड़ियाँ कौन कौन सी इस काम में होती हैं, तो फ्रेंड कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो कि दोस्तों के लिए आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में गाड़ी का हमारा टॉपिक नहीं है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, इसकी वजह से मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ गाड़ी वाले को। अच्छा, तो अगर आपने खुद की गाड़ी इन्वेस्ट कर ली, आपकी गाड़ी आ जाएगी, तो फ्रेंड उसका होता ये है कि 3 ईयर का उसका पैकेज होता है, आपने लीज पे गाड़ी होती है, 50,000 डाउन पेमेंट दे के गाड़ी आपकी आ जाती है, साथ साथ आपने लीज देनी होती है। तो फ्रेंड, अभी दोस्त पूछेंगे कि इसकी लीज कितनी होती है, तो फ्रेंड वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैकेज लेना है लीज का और आपने कौन सी गाड़ी लेनी है। तो फ्रेंड, अभी दूसरी कैटेगरी की बात की जाए तो फ्रेंड वो होता है कमीशन बेस काम। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि आपको 25% पे एज अ ड्राइवर फ्रेंड जॉब देती हैं,
उनका ये होता है कि जो भी आपने अर्निंग करनी है पूरे मंथ की, तो उसमें से 25% आपका होगा। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि 30% देती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि 35% देती हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड, हर एक कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज होती है। और फ्रेंड, एक ऐसा भी काम होता है कि वो सैलरी प्लस कमीशन होता है, तो ये भी मार्केट में आजकल चल रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपको और बताता चलूं, तीसरी कैटेगरी जो होती है वो ये होती है कि आपने फिक्स सैलरी के ऊपर काम करना होता है और आपकी एक ड्यूटी टाइम होता है, आपने उतने घंटे ड्यूटी करनी होती है और आपका एक टारगेट होता है, आपने उसको अचीव करना होता है। तो फ्रेंड, फिक्स सैलरी की बात की जाए 2500 से लेके फ्रेंड 3500 तक फिक्स सैलरी होती है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया है, सैलरी प्लस कमीशन भी होती है इस काम में। तो फ्रेंड, ये मैंने आपको बता दी है तीन कैटेगरी होती हैं इस काम की। तो आप जिस भी कंपनी में आ रहे हो, आप उनसे पता कर लो कि वो क्या पैकेज दे रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना माइंड सेट करो और इधर आप आ सकते हो। अच्छा, तो अभी वीजे की कास्ट की बात की जाए, तो फ्रेंड वीजे की कास्ट जो है, अभी मैंने रिसेंटली वीजा बाय किया, थोड़ा टाइम ही हुआ, तब 11500 दिरहम का फ्रेंड वीजा था, उसके अंदर मेरा आरटीए कार्ड भी मौजूद था, तो लाइसेंस मैंने ऐड नहीं किया। तो फ्रेंड, अभी मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, अदर कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो उनको बता देता हूँ कि जब आपने यहाँ पर आ जाना है तो फ्रेंड फिर आपको कौन कौन से खर्चे करने पड़ेंगे, कौन कौन से खर्चे और कितने कितने खर्चे आपके होंगे और कितना आपको टाइम लग जाएगा इस काम को ज्वाइन करते करते, चाहे आपका वीजा निकल भी आया है। तो फ्रेंड, जैसे मैं आपको बता रहा था 11500 रुपए का मैंने वीजा लिया था, तो जो आउटसाइडर है उनके लिए फ्रेंड ये वीजा थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि कंपनी को पता होता है ये ड्राइवर आ रहा है, इसने इधर फ्री बैठे रहना है 3-4 मंथ जब तक इसका लाइसेंस और आरटीए नहीं क्लियर होता, तो फ्रेंड इस वजह से उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। तो फ्रेंड, डिफरेंस की बात की जाए, 3 से 3500 का डिफरेंस होता है वीजे का, तो जो इनसाइडर है उनके लिए फ्रेंड इतने का 12000 का 11000 का वीजा मिल जाता है। तो फ्रेंड, वो अगर पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से आ रहे हैं इस काम में, तो वीजा उनका जैसे ही लग जाएगा तो उन्होंने आके लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लाइसेंस का पैकेज लेना है या आपने वैसे ही नॉर्मल लाइसेंस लेना है। लाइसेंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि लाइसेंस को कैसे लिया जाता है, लाइसेंस को कैसे क्लियर करना है, लाइसेंस की थ्योरी क्लास के ऊपर लाइसेंस के बारे में टोटल मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर भाई वो वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को विजिट करें, उनको लाइसेंस वाली वीडियो भी मिल जाएंगी, तो उनको आइडिया हो जाएगा लाइसेंस कितने में आता है और कितना टाइम लग जाता है। तो मैं आपको अभी वैसे ही रफली बता देता हूँ फ्रेंड्स, लाइसेंस का ये होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी कंट्री में अगर गाड़ी चलाते रहे हो तो आप जल्दी भी लाइसेंस ले सकते हो, अगर कुछ भाई ऐसे होते हैं वो अपने कंट्री में गाड़ी नहीं चलाते रहे तो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है लाइसेंस लेने में। अच्छा, तो अभी मैं ये भी क्लियर कर दूं, जो भाई पूछते हैं कि यार हमारे पास हमारी खुद की कंट्री का लाइसेंस है तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा, तो फ्रेंड्स इधर होता ये है, कभी कभी इधर पैकेज चल रहा होता है गोल्डन चांस का, उसे गोल्डन ट्राई बोला जाता है, तो उसमें होता ये है कि आपने अपना पाकिस्तान का जो लाइसेंस है तो फ्रेंड वो शो करवाना होता है तो आपको चांस मिल जाता है, वो आपसे ट्राई लेते हैं, अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ठीक है, अगर आप उसको फेल कर देते हो तो जैसे नॉर्मल स्टार्ट से शुरू करते हैं वैसे ही आपको क्लासें स्टार्ट करवा दी जाती हैं, आपने सारा कुछ करना होता है, टेस्ट क्लियर करने होते हैं, क्लासें लेके तो फिर आपको लाइसेंस मिलता है। तो फ्रेंड क्लासों की बात कर ली जाए, तो जिनके पास खुद की कंट्री का लाइसेंस होता है उनकी क्लासें भी फ्रेंड थोड़ी सी माइनस हो जाती हैं, ये प्लस पॉइंट होता है खुद की कंट्री के लाइसेंस का। तो जिनके पास फ्रेंड लाइसेंस नहीं होता अपनी कंट्री का, उन्हें यहाँ पे आगे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लाइसेंस के ऊपर फ्रेंड 3 मंथ तक जो है ना, आप अपना माइंड सेट कर लोगे, 3 मंथ लग जाते हैं लाइसेंस लेते लेते। तो और मैं आपको खर्चों की बात बता दूं, तो फ्रेंड जब तक आपने लाइसेंस लेना है, आरटीए कार्ड लेना है, आपका वीजा प्रोसेस होना है, तो ये सारा काम होते होते आपको 6 से 7 मंथ लग जाने हैं। तो जिन भाइयों ने तो अपनी गाड़ी आगे बुक करवाई होती है, तो फ्रेंड उनकी गाड़ी उतनी देर तक आ जाती है जब तक बंदा रेडी होता है। तो फ्रेंड ये 6 से 7 मंथ जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसके खर्चे की बात कर ली जाए, तो फ्रेंड आपने रूम रेंट देना होता है, मैस के पैसे जो हैं वो आपने देने होते हैं, जो भी भाई इस काम में आ रहा है वो सारा कुछ सोच समझ कर आए, अपने पास खर्चा लेकर आए,
इधर जो बंदे सोच रहे हैं कि हम इधर आ जाएंगे और इधर आके कोई जॉब कर लेंगे और साथ साथ ये काम कर लेंगे, तो फ्रेंड्स इधर जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर आपका कोई इधर जानने वाला कोई रेफरेंस वाला है तो फ्रेंड वो ही आपको इधर जॉब पे लगवा सकता है। तो फ्रेंड जॉब पे भी लगना इधर रिस्की है, क्योंकि आपकी एमरेस आईडी के ऊपर आपका लेमोजीन का स्टेटस होगा, तो आप कहीं भी काम कर रहे होंगे अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके सारे पैसे फ्रेंड वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप जिस काम में आ रहे हो आप उसी के ऊपर फोकस रखो, ना कि इधर कोई भी जॉब करो। तो फ्रेंड अगर आप इस काम में आ रहे हो, 6 से 7 मंथ आपको रूम पे बैठना पड़ेगा, और खर्चे की बात की जाए तो फ्रेंड 700 से लेके 800 तक आपका खर्चा आ जाना है, उसमें रूम रेंट और मेस के पैसों की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपने जैसे कि आउटसाइडर हैं उनका फ्रेंड लगा लें 13,000 का फ्रेंड वीजा लगा रहे हैं। ठीक है, 13,000 का वीजा हो गया, और जितने महीने आपने रूम पे रहना है आप पर महीने का 1,000 दिरहम लगाएं, वो आपके ऊपर खर्चा है। और जो लाइसेंस है, लाइसेंस आपने अपने पैसों से लेना है। तो फ्रेंड अगर आप पैकेज कर रहे हैं, 7 से 8 हजार का पैकेज होता है यहाँ पे, उसके अंदर ये होता है कि जो क्लासे हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और टेस्ट की बात की जाए 3-3 चांस होते हैं। अगर आप खुदा ना खास्ता टेस्ट को फेल कर भी लेते हो आपके पास चांस होता है। अगर रेगुलर की बात की जाए फ्रेंड 5,000 तक आप जो है अगर कहीं से भी फेल नहीं हो रहे तो आप निकलते जा रहे हो क्लासों में से भी, टेस्ट में से भी निकलते जा रहे हो, तो 5,000 तक खर्चा आ जाएगा, आप लाइसेंस क्लियर कर लोगे। ठीक है, और मैंने आपको सारा ये बता दिया, लाइसेंस आपको क्लियर करते वीजा लगते ये 6 से 7 महीने लग जाने होते हैं। तो फ्रेंड फिर आपने आरटीए कार्ड लेना होता है, आरटीए कार्ड की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी मैंने भाइयों को बताया हुआ है कि उसको तैयारी कैसे करनी है, आरटीए कार्ड में कौन से सवाल आते हैं, क्या सीन है, वो भी मैं प्रॉपर गाइड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड आरटीए कार्ड का ये होता है कि 15 दिन की क्लासें होती हैं, क्लासों के बाद हमारा टेस्ट होना होता है, तो उसके ऊपर भी महीना लग जाता है आरटीए कार्ड क्लियर करते करते। तो फ्रेंड ये उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। अभी बात कर ली जाए फ्रेंड जो कि इधर मौजूद है यूएई में, जैसे भाई ने बोला है कि मैंने अभी फ्रेश लाइसेंस लिया, 1 महीना हुआ है, तो मेरे भाई आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपने लाइसेंस ले लिया, आप इधर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में विजिट करो, जहाँ पे आपको पैकेज अच्छा लगता है वो कंपनी से आप वीजा ले लो, आपका वीजा 12,000 दिरहम तक आ जाएगा, जिसकी आपने एडवांस फ्रेंड हाफ पेमेंट करनी होती है, बाकी आप काम पे जब लग जाओगे उसके बाद अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े करके पैसे दे दोगे। तो फ्रेंड आपके पास जिनके पास यूएई का लाइसेंस है जो कि इधर मौजूद हैं, उनके पास फ्रेंड 7 से 8 हजार दिरहम होना चाहिए, जो कि कंपनी को एडवांस में देंगे, वो इनका वीजा प्रोसेस कर देंगे, वीजा लगा देंगे, और आरटीए जो है क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आरटीए कार्ड आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका आरटीए क्लियर होगा आपको गाड़ी दे दी जाएगी, तो आप इस काम में आ सकोगे, आप इस काम को ज्वाइन कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को सारी समझ आ गई होगी, मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया कि इस काम में कैसे आया जाता है और आपने कैसे आना है। जो पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो उनको भी बता दिया कि कितना खर्चा उनका होने वाला है और कितने मंथ तक आपको फ्री रूम के अंदर बैठना पड़ेगा। तो फ्रेंड जो भाई बोल रहे होते हैं कि यार अपना व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दो, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया मैं ड्यूटी पर होता हूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दिया, तो आप बहुत ज़्यादा मैसेज बहुत ज़्यादा कॉल करोगे तो नेट चल रहा होता है, तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है ना क्रिएट हो जाती है, कस्टमर साथ में बैठे होते हैं तो फ्रेंड ऐसे जो है ना काम खराब हो जाता है। तो इस वजह से फ्रेंड मैंने इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों को बताई हुई है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो। ठीक है, आपका वॉइस मैसेज हो आप कर सकते हो, आपने कोई पिक्चर शेयर करनी हो फ्रेंड आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम की मैं आपको आईडी भी बता देता हूँ, तो वीडियो के एंड के ऊपर भी आईडी जो है मेंशन है। तो फ्रेंड आईडी या इंस्टाग्राम की उस्मान बट 9292 USMANBUTT 9292 फ्रेंड्स इसके ऊपर आपने मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, दोस्तों को बताऊंगा जो भी दोस्तों का क्वेश्चन हुआ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं चैनल के साथ बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।